चरणजीत सिंह चड्ढा की वीडियो वायरल होने के बाद बीते कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चड्ढा के बेटे इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा के द्वारा खुदकुशी कर ली गई थी। उनके द्वारा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली गई थी और उसके बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट भी चरणजीत सिंह चड्ढा के पास से मिला था। वहीं इंद्रप्रीत के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पिता को अपना पक्ष रखने के लिए लिखा गया था, जिसके बाद अमृतसर में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। वहीं आज इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा का गुरुद्वारा शहीदा साहिब के पास से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और चरणजीत सिंह चड्ढा के द्वारा अपने बेटे को नम आंखों से विदाई कर दी गई। वहीं इस समय चड्ढा परिवार की ओर से और संस्कार के विदेशी से मीडिया को दूर रखा गया और चड्ढा परिवार की ओर से किसी भी पारिवारिक सदस्य के द्वारा मीडिया के साथ बातचीत नहीं की गई। अमृतसर से धर्मवीर गिल्लाली, आजाद टीवी न्यूज़।